आज अमित शाह जी के साथ मीटिंग हुई, हमारी पार्टी की सीनियर लीडरशिप और बीजेपी की सीनियर लीडरशिप की मीटिंग हुई, जहां फैसला किया गया कि हम जॉइंटली जो इलेक्शन कैंपेन है जॉइंटली लड़ेंगे, 13 सीटों पे लड़ेंगे। जो हमारी ओरिजिनल 3 सीटें बीजेपी लड़ती थी वो लड़ेगी, 10 सीटें हम लड़ते थे हम लड़ेंगे, सो देर बी नो एक्सचेंज ऑफ सीट्स। और हमारी पहले जो एक्टिविटीज होगी, एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है और हम जॉइंटली ये स्ट्रेटजी बनाकर ये इलेक्शन लड़ेंगे। आपने धरने देने की बात कही, वो 16 तारीख को पंजाब की सरकार के खिलाफ जो विश्वासघात पंजाब की मुख्यमंत्री ने पंजाब की जनता को किया है, और स्पेशली 16 मार्च को जब उसके इसने 2 साल पूरे होते हैं, सो पूरे पंजाब में कॉन्स्टेंसी वाइज हम स्ट्रांग प्रोटेस्ट करेंगे। सर, पाकिस्तान को लेकर आपने जिक्र किया, हमारे पायलट उनके कब्जे में है, आज बूथ से संवाद किया प्रधानमंत्री जी ने, कांग्रेस कह रही है कि ऐसे में बीजेपी को पॉलिटिकल कार्यक्रम क्यों करने चाहिए? ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री जो फैसला लिया, ऐसा फैसला आज तक नहीं लिया गया। एक स्ट्रांग मैसेज दिया है कि पाकिस्तान को कि अगर आप हमारे अंदर आकर हमारे लोगों को मारोगे, हम आपके जो ट्रेनिंग कैंप सब नष्ट कर देंगे। ये बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है।